हेलो एवरीवन माय नेम इज भी विकास श्रीवास्तव आम अ साइट इंजीनियर एंड आई हैव फाइव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हियर आई एम टू मेक अ फीडबैक वीडियो ऑफ अ गुरुकुल फॉर यूनिक सिविल द फर्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस इज ट्रस्ट इशू एंड द सेकेंड पॉइंट वाई आई ज्वाइंट सिविल गुरुकुल मैंने सीविल गुरुकुल क्यों क्लासेस शुरू करी

तो सिविल गुरुकुल में आई मीन यूनिक सिविल में पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यूनिक सिविल ऐप को डाउनलोड करें और आपको ये पता चल जाएगा उसमें से बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं फॉर डैमो जैसे कि आप कुछ सॉफ़्टवेयर सीखना चाहते हैं जैसे कि टेक्ला ऑटोकैट ड्राइवेड थ्री डी एस मैक्स स्केचअप स्टैट प्रो कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं तो उससे कुछ डैमो वीडियोज़ पड़े हुए हैं दो तीन वीडियोज़ हर एक सॉफ़्टवेयर के तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है और मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको पहले ऐप आप को चेक करना चाहिए दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने जॉइन क्यों किया एज़ अ साइट इंजीनियर मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया और फिर मुझे लगा कि साइट uh, इंजीनियरिंग में ग्रोथ है बट वो शायद मेरे लायक नहीं है मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ नए टेक्नोलॉजी को सीखना है बी की तरफ में मूव करना है और आकाश सर से मैंने बहुत अच्छी खासी टीचिंग ली है इसके बारे में कि व्हाट इज़ बी क्या क्या सॉफ्टवेयर हमें हम इसमें यूज करते हैं तो मेरा सबसे मेन पर्पज़ यही है कि मैं अपने करियर में ग्रोथ करना चाहता हूँ BIM इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री है आज के टाइम में हमें हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ़ में जुड़ना चाहिए हमारा बी की डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिग्री ही काफ़ी नहीं है उसके अलावा भी कई सारे स्किल्स हमें आने चाहिए अभी देखिए मुझे पता चला है कि वी इंडस्ट्री में मतलब डायमेंसन्स कैसे होते हैं एल कैसे होते हैं उसके मैं आसपास पास पाँच सालों से मैं काम कर रहा हूं, बट मुझे बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग नए टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था हम एक सेम नेचर ऑफ वर्क पे काम करते जा रहे थे और एक मतलब तो थोड़ा सा अन प्रोफेशनलिज़्म भी साइड पे कहीं ना कहीं होता है मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए एज ए इंजीनियर एज अ टेक्निकल पर्सन तो मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए सो so, मैंने ज्वाइन किया थर्ड द थर्ड पॉइंट इज़ हाउ द टीच आकाश सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि वो हर एक चीज़ को इतना इजी वे में बताते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाना हो तो उसको पहले वो नॉर्मली चीज़ों से रिलेट करते हैं फिर उसको पढ़ाते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए एग्जांपल्स देते हैं का हमें आ, आ, मतलब कि कुछ पी देते हैं पढ़ने के लिए उसके अकॉर्डिंग और कुछ नए नए कंटेंट्स हमें पढ़ाते हैं और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को उन्होंने इतना ईज़िली बताया हुआ है और सबसे बड़ी बात कि वो आ, हमारे हिंदी लैंग्वेज में है तो ईज़िली हमें बड़ा ही आ, आसान हो जाता है सीखना मैंने बहुत सारे ऐसे क्लासेस देखे हैं जहाँ पे इंग्लिश में मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आधी आधी चीज़ें तो ऐसे ही निकल जाती हैं कि वो क्या है क्या नहीं है बट यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है और दूसरा जो भी टॉपिक जो भी सॉफ्टवेयर uh, के बारे में कंटेंट कवर किया जाता है वो uh, बहुत ही ईजिली वे में बताते हैं और आप उसको डाउट लेक्चर भी उनका होता है आप उसको uh, किसी भी चीज़ को डाउट लेक्चर में आप बहुत ही आराम से पूछ सकते हैं कि uh, मतलब uh, मुझे इसका सलूशन चाहिए या क्या, या क्या है या क्या नहीं है एवरी थिंग डिस्क्राइब एंड फोर्थ पॉइंट है प्लेसमेंट प्लेसमेंट बस आप ये समझिए कि मैंने पाँच सालों में जितना इंटरव्यूज़ नहीं दिया है उतना मैंने ये दो से ढाई महीनों के बीच में मैंने दे डाला है और प्लेसमेंट एक कॉन्फिडेंस की चीज़ है तो आकाश सर ने जैसा जा, जा, कॉन्फिडेंस हम लोगों में बूस्ट किया हुआ है मुझे लगता है कि वो बहुत ही अनबीटेबल है और कोई भी इंटरव्यू देते समय अब मैं घबराता नहीं हूँ कि मुझसे क्या पूछेंगे बिकॉज द कंटेंट कंटेंट जो है वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है मैंने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और अगर मुझे कहीं डाउट होता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मैं उसको देख लेता हूँ कहीं कुछ और प्रॉब्लम्स है तो लाइव क्लासेज में मैं उनसे पूछ लेता हूँ डाउट लेक्चर में चलती हैं मैं उनसे भी मैं उसमें भी पूछ सकता हूँ तो एवरी थिंग इन स्ट्रक्चर वे एवरी थिंग इज़ इन स्ट्रक्चर वे तो आपको बहुत आसान हो जाता है ये सब चीज़ें जानना और वो खुद ही बहुत सारे वैकेंसी शेयर करते हैं तो उसे और बहुत सारी जगह पे उनका रेफरेंस भी लग जाता है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बी आई एम इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक काम किया हुआ है बहुत लोगों से रिलेशन हैं उनके बट द थिंक इज़ कि आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्लेसमेंट आपको खुद ब खुद मिल जाती है दैट्स ऑल थैंक यू